बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पुट अ सर्कल ऑन द करेक्ट आंसर। तो अपने दिल के गिर्द भी दायरा खींच लें अल्लाह और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तो वही हस्तियाँ काम आती हैं जिनसे आपने मोहब्बत की होती है। क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं तो माँ से मोहब्बत ज़्यादा होती है, तो हम हाय माँ कहते हैं। और वो वक्त जब हमने अकेले होना है दुनिया की और कोई हस्ती हमारी साथ नहीं होगी सिवाय अल्लाह के, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ता जा रहा हूँ, अगर तुम्हें रूमने मजबूती से थामे रखोगे तो कभी घबरा नहीं होगे, कुरान मजीद और दूसरी मेरी सुन्नत। तो प्यारे बच्चों, आज से कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज आइस इज़ डेंसर दैन वाटर, आइस इज़ क्रिस्टेलियन इन नेचर, वाटर इज़ डेंसर दैन आइस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रेंडमली। आपको पता है कि हल्की चीज़ जो है वो भारी चीज़ के ऊपर तैरती है, फ्लोट करती है। तो वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? जब टेम्परेचर लोअर होता है, फ्रीजिंग होता है, तो सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिकम स्टेबल और वाटर जो है वो फार अपार्ट हो जाता है। सो दिस कॉजेज आइस टू हैव अ लेसर डेंसिटी देन वाटर मेकिंग इट फ्लोट। तो जो करेक्ट आंसर है, वाटर इज़ डेंसर देन आइस, वाटर जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है आइस से, तो जिसकी वजह से आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा था कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो दो एटम्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं और इसको बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। दोनों के जो आउटर ऑर्बिट होता है उसमें शेयरिंग होती है और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। तो हम जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनसर्कल करेंगे, तो कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो शेयरिंग से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव? 2, 3, 4 और 5। ये आपके सामने जो है वो C2H2 का फार्मूला है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं। तो कार्बन के दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन एटम है, तो 1 और 2 हाइड्रोजन के, और 3 बॉन्ड्स जो हैं वो 2 कार्बन एटम्स के दरमियान बनते हैं। तो अगर हम इनको काउंट करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड्स बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 5 कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन C2H2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व? 8, 6, 4 और 3। कोवलेंट ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हिस्सा लेते हैं? तो हमने नाइट्रोजन का जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो आप देखें कि इसमें देर आर 3 पेयर्स, तो ट्रिपल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो हम 6 ऑप्शन बी को एनसर्कल करेंगे। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल हैज़ सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स? ये 4 टाइप्स के पेयर्स हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड C2H4 और ऑक्सीजन एंड C2H2। तो इनमें से कौन से पेयर्स जो हैं जिनके बॉन्ड्स बिल्कुल एक जैसे हैं? तो आप देखें कि ऑक्सीजन और C2H4 जो है उसमें डबल बॉन्ड्स हैं,
बाकी पेयर्स में किसी में सिंगल है किसी में डबल है, तो हम सी ऑप्शन को एनसर्कल करेंगे, क्योंकि बाकी आप खुद से कंपेयर कर लें, बाकी पेयर्स में एक जैसे बॉन्ड्स नहीं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। इसमें बेंजीन है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। आपको फार्मूले देख के भी अंदाज़ा हो रहा है कि जो ए है वो कोवेलेंट बॉन्ड है और बाकी जो है आयनिक बॉन्ड्स हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि उनके वाटर के साथ मिलके दे फॉर्म फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो सॉल्यूबल नहीं होता वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स वाला। तो ए इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। जो बी सी और डी हैं दे आर आयनिक कंपाउंड्स एंड दे आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अमोनिया, बी बोरोन फ्लोराइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डी। तो अगर हम आप इनको गौर से देखें तो बाकी सब में तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन सही है, लेकिन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल, आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डेफिशिएंट हैं बोरोन फ्लोराइड में। तो हम इसके लिए ऑप्शन जो है वो बी को एनसर्कल करेंगे। दिस बी ऑप्शन इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन, वाटर एंड नाइट्रोजन, वाटर एंड ईथर एंड वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर आप इनके फार्मूलों को गौर से देखें तो जो है पोलर डी ऑप्शन है, जिसमें वाटर और HCl जो है वो डाइपोल है, क्योंकि क्लोरीन बड़ा एटम है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स। आयनिक फोर्स, मेटेलिक फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स और कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज द मोस्ट स्टेबल फोर्स बिटवीन द टू एटम्स। तो सबसे वीकर जो है इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिनको वंडरवाल्स फोर्सेस भी हमने पढ़ा था। तो इसमें जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स मॉलिक्यूल के बीच में होती है, इसीलिए ये ज़्यादातर गैस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में। तो वेरी वीक फोर्स इज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो हम ऑप्शन सी को एनसर्कल करेंगे, क्योंकि लैटिस बनता है आयनिक में, मेटेलिक फोर्स में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कोवेलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। तो उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।